अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू पीपल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। तो जनाब, ये थी ब्रेड कैरमल पुडिंग, और आप यकीन मानेंगे कि ये मेरी नीस ने बनाई थी। मतलब हाफ उसने बनाई थी और हाफ जो है वो एंड पे मुझे बनानी पड़ी, लेकिन मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करके, बच्चों के साथ जो है मिल के कुछ ना कुछ बनाने में। ऑल्दो कि शी इज़ नॉट अ बच्चा, माशाल्लाह 8th 9th ग्रेड में है वो, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे जो है ना बच्चों को अपने साथ कुकिंग में इस तरह से जो है वो शामिल करना और उनके साथ जो है वो कुछ ना कुछ फ़न करना मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए जनाब, बहुत मज़े की, जिनको मीठा पसंद है, जिनको कैरेमल फ्लेवर पसंद है, तो बस उनके लिए तो फिर समझें ये बस ईद का तोहफा है। ये जनाब मेरी नीस डाल रही हैं इसके अंदर में शुगर। अब सच्ची बात तो ये कि मैं टोटल भूल चुकी हूँ कि इसमें कितनी क्वांटिटी उन्होंने ऐड की थी। चलिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना उनसे पूछ के डाल दूँगी। अच्छा जी, ये कैरेमल हमारा बन रहा है, उसके लिए हमने चीनी और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, आई गेस, हाँ 2 टेबल स्पून के करीब जो है हमने पानी डाला है। ठीक है, अभी बीच में वो अपनी जो है ना वो क्या दिखा रही थी, एफिशिएंसी दिखा रही थी कि बीच में बार बार चम्मच चला रही थी और मैं से कह रही थी कि वो वैसे ही बन जाएगी, ना जलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अभी थोड़ी देर में देखिएगा ये जनाब कैरेमल बन जाएगी। चलिए जी, ये कैरेमल बनना शुरू हो गई है। ठीक है, इसको तकरीबन 10 मिनट लगते हैं और ये देखें जनाब, ज़बरदस्त जो है हमारा कैरेमल बन गया है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 पैकेट क्रीम। ठीक है, कोई भी क्रीम का पैकेट, आप फ्रेश क्रीम का पैकेट जो है ना आप उसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जब ये बन गया है तो अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद। अच्छा जी, अब इसके अंदर में हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। ठीक है, 2 टेबल स्पून, 2 2.5 आई गेस, यस 2.5 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर है। ठीक है, और 3 टेबल स्पून के करीब जो है इसके अंदर में हमने डाला है दूध। दूध जितना भी आप डाल दें, आपने सिर्फ उसकी जो है वो एक वो पेस्ट बनाना है। ठीक है, अब ये हम इसके अंदर में डाल रहे हैं तकरीबन 1.5 मग कह लें या 2 मग कह लें। ठीक है, हमने इसमें डाला है दूध, दूध को हम थोड़ा सा बॉयल होने देंगे, और वो जो कॉर्नफ्लोर का हमने मिक्सर बनाया था उसी के अंदर में हमने 2 खाने के चम्मच जो है उसके अंदर में हमने डाल दिए हैं मिल्क पाउडर। ठीक है, ये मेरे पास वनीला एसेंस के 2-3 ड्रॉप्स ही थे और इतने ही हमें रिक्वायर्ड थे, तो मैंने इसके अंदर में डाल दिए। अब मैं उसको हेल्प कर रही थी, मैंने वो जो है वो मिक्सर जो है वो मिक्स करके उसके अंदर में दूध में डाल दिए। अब इसको जल्दी जल्दी से चलाइएगा ताकि जो है इसके अंदर में गुठलियाँ ना बन जाएँ। ठीक है, या नीचे जो है वो लग ना जाइए। चलें जी, अब वो कैरेमल सॉस थोड़ी सी हमने जो है ना दोबारा गर्म की और उसके अंदर में हमने वो दूध डाल दिया। ठीक है, तो अगर वो कैरेमल सॉस जो है वो अगर सख्त हो जाती है तो आपने परेशानी हो ना, उसको हल्का सा हीट अप करेंगे ना जब आप, तो वो दोबारा से जो है वो थिन होना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी जब इसके अंदर में आप ये दूध का मिक्सचर जो है वो, ये कस्टर्ड जो आप डाल रहे हैं इसके अंदर में बना हुआ, जब आप ये डालेंगे ना तो वो वैसे ही जो है वो थिन हो जाएगी। चले जी, अब हम इसको हल्का सा पकाएंगे ताकि आपस में जो ये मिक्स हो जाए कैरेमल सॉस और कस्टर्ड। चलें जी, अब भी हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद, और अब हमारी आ जाती है लेयर लगाने की बारी। ठीक है, हम ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड के जो है वो कोने जो है आप काट लें। ठीक है, और हम इसको दूध में डिप करते जाएंगे। ये सिंपल दूध है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ मैंने। अगर आप लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं, वरना तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैरेमल है इसमें ऑलरेडी इतना मीठा है। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है मेरा नहीं ख्याल। तो चलें जी, अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे बिल्कुल इसी तरह से कि पहले हम ब्रेड लगाएंगे दूध में डिप करके। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर जो है वो कैरेमल सॉस लगाएंगे, और फिर ब्रेड लगाएंगे, और फिर कैरेमल सॉस लगाएंगे, फिर हम करते जाएंगे। अच्छा, मुझे एंड पे जो है ना वो कैरेमल सॉस जो है वो मुझे कम लगी थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी सी जो है वो सिंपल कैरेमल सॉस जो मैंने बनाई थी ना बग़ैर उसके मिल्क के और बग़ैर कस्टर्ड के, ठीक है, मैंने वो इसके ऊपर डाल दी थी। जनाब, अब इसको आप रखते हैं फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए, और इसको डेकोर करें फ्रेश क्रीम के साथ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसके ऊपर अगर आप लोग चाहें तो व्हिपिंग क्रीम के साथ भी जो है ना आप उसको
बीट करके व्हिपिंग क्रीम को आप उसकी भी लेयर इसके ऊपर लगा सकते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो कैरमल सॉस लगा सकते हैं। वाह क्या बात है, क्या दिमाग में आइडिया आ रहा है। चलें करके देखिएगा आप लोगों को कैसा लगता है और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल भी रखिएगा। ये देखिए जनाब, बहुत टेस्टी और बहुत यमी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।